देखिए, जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। ना तो वहाँ कोई हाईकमांड का कोई प्रभाव है, ना ही वहाँ आम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज से 20 साल पहले थी वो तमाम रूप से आज जर्जर हालात में हो चुकी है पूरे देश के अंदर। ना तो वहाँ समन्वय की कोई ऐसी दिखाई देती है कड़ी कि जिससे लोगों को जोड़ा जा सके। जो सीनियर हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं उनके साथ कभी भी हाईकमांड ने कोई चर्चा करने का प्रयास नहीं किया, और एक राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति को थोप दिया गया जो व्यक्ति हिमाचल के हितों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ता हो, और यही कारण था कि उनके प्रति जो है जनता के बीच में बहुत रोष था, और उस रोष को हमने मद्देनजर रखते जो है हिमाचल प्रदेश के ही व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने में उचित कदम उठाए। बिल्कुल 100% लड़ेंगे। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का बहुत लैक रहा, उन्होंने पिछले 1.25 साल में कभी भी विधायकों के साथ जो एक संगठनक की जो गतिविधियां होती हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की कभी। चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे जो 6 महीने पहले जिसकी तैयारियां हो जानी चाहिए थी, उसके बारे में कभी भी ना तो हाईकमांड गंभीर दिखा और ना ही प्रदेश की सरकार और ना ही प्रदेश का संगठन।